Hello everyone, यह है Learn Core Java Video Series. यह उनके लिए है जो Complete Core Java सीखना चाहते हैं. यह Learn Core Java Series का पहला वीडियो है जिसमें आप सीखेंगे कि Windows Operating System में Java Path कैसे सेट किया जाता है. इसके लिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर Java इंस्टॉल होना चाहिए. यदि नहीं है तो oracle.com से JDK 8 डाउनलोड करें और इसे इंस्टॉल करें. यहाँ मैं JDK 8 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे के प्रोग्राम्स हम जावा 8 को टारगेट करके बनाएंगे. विंडोज़ में जावा इंस्टॉलेशन के बाद जावा कंपाइलर और JVM जिस पाथ पर रहता है वह है C प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 1.8 bin. कमांड प्रॉम्प्ट से इसी पाथ पर जाकर कंपाइल और रन कमांड दी जा सकती है. यदि आप जावा प्रोग्राम को किसी भी अन्य पाथ से कंपाइल और रन करना चाहते हैं तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में जावा पाथ सेट करना होगा. अब यदि जावा पाथ सेट नहीं है तो कंपाइलेशन करने पर क्या प्रॉब्लम होगी, पहले हम यह समझेंगे और फिर पाथ सेट करना सीखेंगे. तो अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं. सबसे पहले विंडोज सर्च बॉक्स में cmd टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें. यहां आप जावा सी स्पेस हाइफन वर्जन टाइप करके एंटर करें. आपको एक मैसेज मिलेगा, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड. इसका मतलब जावा पाथ सेट नहीं है. तो फिर कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करें और जावा पाथ सेट करें. यहां अब आपको डेस्कटॉप दिख रहा है, इस पर यह जो दिस पीसी आइकन है इसे क्लिक करके ओपन करें. अब सी ड्राइव पर जाएं और इसे ओपन करें. सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स ओपन करें. प्रोग्राम फाइल्स में जावा फोल्डर को ओपन करें. जावा फोल्डर में जेडीके 1.8 ओपन करें. जेडीके फोल्डर में आपको बिन फोल्डर मिलेगा, इसे भी ओपन करें. अब एड्रेस बार में देखें, यहां पर बिन तक का कंप्लीट पाथ शो हो रहा है जो है सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन. इसी पाथ को हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना है. अब माउस को इसके ऊपर ले जाकर इसे सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करके या माउस राइट क्लिक करके इसे कॉपी करें और इस विंडो को बंद कर दें. फिर से डेस्कटॉप आपके सामने है. यहाँ दिस पीसी आइकन पर राइट क्लिक करें, आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा. इस डायलॉग बॉक्स में से प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करें. जो विंडो ओपन होगी उसमें से एडवांस सिस्टम सेटिंग को क्लिक करके ओपन करें. अब इस सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो में एनवायरनमेंट वेरिएबल बटन को क्लिक करें. एनवायरनमेंट वेरिएबल्स विंडो में सिस्टम वेरिएबल फाइंड करें और सिस्टम वेरिएबल में पाथ सर्च करें. पाथ को सेलेक्ट करके एडिट बटन क्लिक करें. अब इस एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स विंडो में न्यू बटन क्लिक करें. ऐसा करने से इस विंडो में पाथ लिखने के लिए कर्सर शो होगा. यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके या फिर माउस राइट क्लिक करके जो कॉपीड पाथ है उसे पेस्ट करें. जावा पाथ इस तरह से शो होने लगेगा. अब इस विंडो को ओके क्लिक करके बंद करें. इस विंडो को भी ओके बटन क्लिक करके बंद करें. अब यह भी जो विंडो है इसे ओके बटन क्लिक करके बंद करें. फाइनली इस आखिरी विंडो को भी बंद करें. अब फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें ताकि हम पाथ सेट हुआ या नहीं चेक कर सकें. कमांड प्रॉम्प्ट पर जावा सी स्पेस हाइफन वर्जन कमांड लिखकर एंटर करें. आपको इस तरह जावा सी 1.8 लिखा मिल जाएगा, मतलब जावा पाथ सेट हो गया है. अब
किसी भी पाथ से जावा प्रोग्राम कंपाइल और रन कर सकते हैं। अब आपका लैपटॉप या पीसी जावा प्रोग्रामिंग के लिए तैयार है। कंप्लीट कोर जावा सीखने के लिए लर्न कोर जावा सीरीज के अन्य वीडियो भी देखें, और जावा रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।